तुम हमें साथ में रखा करो आदत की तरह। वाह। तुम हमें साथ में रखा करो आदत की तरह, वरना हम उठ के चले जाएंगे बरकत की तरह। वाह 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 वा। तुम हमें साथ में रखा करो आदत की तरह, वरना हम उठ के चले जाएंगे बरकत की तरह। और मैंने खुद उसको गुनाहों की तरह छोड़ दिया, मैंने खुद उसको गुनाहों की तरह छोड़ दिया, वो मुझे छोड़ने वाला था इबादत की तरह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हज़रात, मैं हूँ आपके साथ रहीम अहमद खान और आप इस वक्त मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं तस्नीम टीवी की खास पेशकश मुशायरा। मुशायरे की आज की इस किस्त में आपका तहदिल से इस्तकबाल है। नाज़रीन चंद अल्फाज आपके सामने दोहराना चाहूँगा, गौर कीजिएगा कि ये अल्फाज आखिर किन के हो सकते हैं। लिखा है कि आपको चेहरे से भी बीमार होना चाहिए, इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, आप दरिया हैं तो फिर इस वक्त हम खतरे में हैं, आप कश्ती हैं तो हमको पार होना चाहिए, एरे गेरे लोग भी पढ़ने लगे हैं आपको इन दिनों, आपको औरत नहीं अखबार होना चाहिए। कहा जाता है कि शायरों की एक अलग दुनिया होती है, उनकी एक अलग सलीस जबान होती है, शायर अगर कड़वी बातें भी कह दे तो उनकी बातों से सिर्फ मिठास ही झलकती है। शायर की शायरी के ज़रिए से कुछ लोग सुनकर बहुत लुत्फानंदोज़ हो जाते हैं। हर कोई शायर नहीं बन सकता, हर कोई शायर हो भी नहीं सकता। ऐसा ही एक फ़नकार हम में से है जिसकी कंपोजिशन, जिनकी नज़में, जिनकी गज़लें इतनी खूबसूरत है कि लोग उन्हें सुनने के लिए बेताब हो जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मारूफ शायर मुनव्वर राना की। मुनव्वर राना शायर और अदीब दोनों हैं। जहाँ एक तरफ वो अदब की दुनिया में मकबूल हैं तो दूसरी तरफ तनाज़ात से उनका पुराना रिश्ता है, लोग उनकी तख्लीक को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। लग रहा है कि हमने जब अपने बेटे की शादी की तो मालूम हुआ कि खुफिया ज़राए से मालूम हुआ कि वो लड़की वाले अमीर हैं और उसको कार देना चाह रहे हैं। तो मैंने लड़के से कहा, मैंने कहा ससुराल का माल मत खाना, आदमी कुत्ता हो जाता है, चक्कर मत पड़ना। तो हमने पूछा कौन सी गाड़ी अच्छी आ रही है आजकल, उसने कहा सफारी टेकर। तो हम लोग उस जमाने में 7-8 साल हो गए, सफारी टेकर मैंने उसे दिलवाई। अच्छा, मजे की बात यह कि हमारी बीवी भी कानपुर की हैं और हमारी बहू भी कानपुर की है, इसलिए हमको जौहर कानपुरी अच्छे लगते हैं। तो क्या बता रहा था मैं, तो सब वो मैंने उससे कहा कि नहीं नहीं देखो बेटा ये सब नहीं करते हैं। तो खैर उसको मैंने 10,56,000 की कार मैंने इंतजाम करके दे दी। ज़्यादा जोर से बोलेंगे 2,000 के नोट मेरे यहाँ ढूंढने पहुँच जाएंगे। तो था वो मैंने गाड़ी उसको दिलवा दी। अब वो हमारी समझन जरा बड़ी शोबाज बोल, तू अना का अपनी है। मंसूर भाई सुनना, तू अना का अपनी असीर है, मैं अना का अपनी असीर हूँ, तू नया नया सा अमीर है, मैं नया नया सा फकीर हूँ, तू नया नया सा अमीर है, मैं नया नया सा फकीर हूँ। वो कह भाई जी चाहता है दो ये दुनिया थी, एक शादी हुई है, ये बची है, हौसला निकालना चाहता है। मैंने कहा देखिए आप बहुत गुनहगार हैं, डायरेक्ट दोदख के जो है मुसाफिर, लेकिन इसके बावजूद एक तवक्को ये है कि हमारे आले रसूल हैं, अगर आप दे नहीं चाहते हैं तो वही दीजिए जो हमारे यहाँ आता जाता रहा है, मिट्टी के बर्तन दे दीजिए। और मैंने 2 कार्टन मिट्टी के बर्तन लिए और मैंने अपने घर को सजा दिए, ड्राइंग रूम में हमारे लगे हुए हैं। हमने कहा एक जनरेशन को कम से कम यह गैरत तो रहेगी कि हमारे बाप में कुछ रहा हो ना रहा हो मर्दानगी और किरदार मौजूद। यह है कि अपने तौर पे जिंदा रहने और जिंदगी गुजारने का, तो पर यही शायद अम्मा अब्बा ने यही सिखाया भी था। अब मैं गजल के मैं 3-4 शेर गजल का यह है कि मौला ये तमन्ना है कि जब जान से जाऊं, मौला ये तमन्ना है कि जब जान से जाऊं, जिस शान से आया हूं उसी शान से जाऊं। मौला ये तमन्ना है कि जब जान से जाऊं, जिस शान से आया हूं उसी शान से जाऊं, बच्चों की तरह पेड़ की शाखों से मैं कूदूं, बच्चों की तरह पेड़ की शाखों से मैं कूदूं, चिड़ियों की तरह उड़के मैं खलियान से जाऊं, चिड़ियों की तरह उड़के
मौला ये तमन्ना है कि जब जान से जाऊं, जिस शान से आया हूं उसी शान से जाऊं, बच्चों की तरह पेड़ की शाखों से मैं कूदूं, चिड़ियों की तरह उड़ के मैं खलियान से जाऊं, हर लफ्ज महकने लगे लिखा हुआ मेरा, मैं लिपटा हुआ यादों के लोबान से जाऊं, मैं लिपटा हुआ यादों के लोबान, हर लफ्ज महकने लगे लिखा हुआ मेरा, मैं लिपटा हुआ यादों के लोबान से जाऊं, जिंदा मुझे देखेगी तो माँ चीख उठेगी, जिंदा मुझे देखेगी, जिंदा मुझे देखेगी तो माँ चीख उठेगी, क्या जख्म लिए पीठ पे मैदान, क्या जख्म लिए पीठ पे मैदान, जिंदा मुझे देखेगी तो माँ चीख उठेगी, क्या जख्म लिए पीठ पे मैदान से जाऊं। अशेर आखिर आज की रात आप लोगों की नजर है कि क्या सूखे हुए फूल की किस्मत का भरोसा, क्या सूखे हुए फूल की किस्मत का भरोसा, मालूम नहीं कब तेरे को बांध जाऊं, मालूम मौला ये तमन्ना है कि जब जान से जाऊं, जिस शान से आया हूं उसी शान से जाऊं। गिड़गिड़ाए नहीं, गिड़गिड़ाए नहीं, हां हम दो सना से मांगी, गिड़गिड़ाए नहीं, हां हम दो सना से मांगी, भीख भी हमने जो मांगी तो खुदा से मांगी, गिड़गिड़ाए नहीं, हां हम दो सना से मांगी, भीख भी हमने जो मांगी तो खुदा से मांगी। जब मैं माइक पर आता हूं तो दाद दे दीजिए, ताली बजा दीजिए, इसका सिलसिला खत्म हो जाता है। गिड़गिड़ाए नहीं, हां हम तो सना से मांगी, भीख भी हमने जो मांगी तो खुदा से मांगी, सर झुकाए रहे हाथ बांधे रहे, हाथ बांधे रहे पलकों को झुकाए रखा, दाद भी हमने जो मांगी तो हया से मांगी, दाद भी हमने जो मांगी तो हया से मांगी। शेख जो जहां से याद आ रहे हैं मैं अर्ज कर रहा हूं, नमाज फरमा रहे, मुझे मालूम नहीं आप यहां कब आया कब नहीं आया, इसकी कोई जरूरत भी नहीं है, जब भी मिलता है वो अंदाज जुदा होता है, चांद सौ बार भी निकले तो नया होता है। तो मैं शेर सुना रहा हूं, हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए, हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए, जब सूखने लगे तो जलाने के काम आए, हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए, जब सूखने लगे तो जलाने के काम आए, तलवार की नयाम कभी फेंकना नहीं मुमकिन है, दुश्मनों को डराने के काम आए, तलवार की नयाम कभी फेंकना नहीं मुमकिन है, दुश्मनों को डराने के काम आए, और कच्चा समझ के बेच न देना मकान को, शायद कभी ये सर को छुपाने के काम आए, शायद कभी ये सर को छुपाने के काम आए। एक मतलब ये है, जहां से जो याद आ रहे हैं, अभी वो जब जौहर ने वो शेर पढ़ा कि मैं अपने बाप बूढ़े बाप से आकर लिपट गया, तो मुझे एक शेर गजल याद आई। मतलब ये है कि कभी कभी तो मेरे पैराहन से आता, सुना सारे, कभी कभी तो मेरे पैराहन से आती है वही महक जो तुम्हारे बदन से आती है, कभी कभी तो मेरे पैरहन से आती है वही महक जो तुम्हारे बदन से आती है, और वही महक जो तुम्हारे बदन से आती है, और हमारे दिल से तो अच्छा है आईना तेरा कि टूटता है तो आवाज छन से आती है, वाह वाह वाह, हमारे दिल से तो अच्छा है आईना तेरा कि टूटता है तो आवाज छन से आती है। और शेर ये है कि वालिद के इंतकाल के बाद मैं चार महीने बाद मैं उम्रे में गया, तो बाहर मैं निकला तो देखा एक टैक्सी ड्राइवर था,
बैठा हुआ इंतजार बिल्कुल मेरे वालिद की तरह लगा। मैं उसे देखने लगा, देखता रहा, बिल्कुल जैसे मैं उसको पुकार लू, छू लू, बुला लू। मैं घर आया, मेरी वालदा उस वक्त जिंदा थी। मैंने उनसे बताया कि अम्मा ऐसा था, एक आदमी बिल्कुल मेरे वालिद की तरह वहां खाने काबा के बाहर बैठा हुआ था। तो औरत के लिए मर्द के मरते ही वो मजाजी खुला हो जाता है। मेरी अम्मा के लिए भैया हो सकता है तुम्हारे बाप ही हो, अल्लाह मियां ने अपनी दरबानी में उनको वहां रख लिया। नाजरीन, मुनव्वर राणा की कुछ मशहूर मारूफ मुसन्निफात का यहाँ पर जिक्र करना ज़रूर चाहूँगा। उनके मुसन्निफात में माँ, गज़ल गाँव, पीपल छाँव उनकी एक नज़्म है, बदन सराय काफ़ी मशहूर और मकबूल है, नीम के फूल, इसी तरह सब उसके लिए भी उनका एक बेहतरीन कलाम है, घर अकेला हो गया, वाकई एक दिलकश और बेहतरीन कलाम घर अकेला हो गया उन्होंने लिखा है। एक नज़म है उनकी, कहो जिल्ले इलाही से, वाकई बहुत बेहतरीन नज़म है, बग़ैर नक्शे का मकान उन्होंने लिखी है। फिर कबीर भी उनकी लिखी हुई एक नज़म है, नए मौसम के फूल ये भी उनकी लिखी हुई एक नज़म है। अब आपको बताते हैं कौन से इनामात और अवार्ड से मुनव्वर राणा को नवाजा गया। 1993 में रईस अमरोहवी अवार्ड उनको मिला था रायबरेली में, 1995 में दिलकुश अवार्ड, उसके बाद सलीम जाफरी अवार्ड से उन्हें नवाजा गया, मौलाना अब्दुल रज्जाक मलिहाबादी अवार्ड वेस्ट बंगाल उर्दू अकेडमी की तरफ से उनको दिया गया था, सरस्वती समाज की तरफ से एक अवार्ड अदब का जो अवार्ड था वो उनको 2004 में दिया गया, डॉक्टर जाकिर हुसैन अवार्ड गालिब ये उदयपुर शहर में इनको ये अवार्ड से नवाजा गया था मुनव्वर राणा को, 2006 में अमीर खुसरो अवार्ड इटावा में मुनव्वर राणा को इस अवार्ड से नवाजा गया था, ऋतुराज सम्मान पुरस्कार 2012 में इनको दिया गया था, और सबसे बड़ा पुरस्कार जो साहित्य अकेडमी की तरफ से इनको जो पुरस्कार मिला था, साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2014 में इनको इस इनाम से नवाजा गया था, भारतीय परिषद पुरस्कार इलाहाबाद इनको दिया गया था, बज़्मे सुखन पुरस्कार से इनको नवाजा गया, मौलाना अबुल हसन नदवी अवार्ड से इनको नवाजा गया, उस्ताद बिस्मिल्ला खान अवार्ड इनको मिला है। अवार्ड की अगर बात करें तो मुनव्वर राणा की फहरिस्त काफ़ी लंबी और चौड़ी नज़र आती है, लेकिन साल 2015 में मुनव्वर राणा को तनाज़ा में उस समय पढ़ते हुए देखा गया जब उन्होंने दादरी में हुए एक वाक़े के बाद तनाज़े में घिरी एक नज़्म लिखी थी, जिसको लेकर उनकी सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोलिंग हुई थी। इसके बाद मुनव्वर राणा ने उसी साल साहित्य अकेडमी अवार्ड को वापस करते हुए कहा कि मुस्तकबिल में किसी भी तरह के सरकारी अवार्ड को वो नहीं लेंगे। जाते जाते मुनव्वर राणा जी की आवाज़ में एक नज़्म आपको सुनाते हैं। है रूह बेकरार अभी तक यजीद की, वो इसलिए कि आज भी प्यासा मजे में है। वाह! है रूह बेकरार अभी तक यजीद की, वो इसलिए कि आज भी प्यासा मजे में है, और दुनिया अगर मजाक बदल दे तो और बात। दुनिया अगर मजाक बदल दे तो और बात, अब तक तो झूठ बोलने वाला मजे में है। दुनिया अगर मजाक बदल दे तो और बात। भाई क्या कहने, दुनिया अगर मजाक बदल दे तो और बात, अब तक तो झूठ बोलने वाला मजे में है। और हज़रते गज़ल के दो तीन शेर और अर्ज कर रहा हूँ, समाप्त फरमाइएगा। मुशायरे की आज की इस किस्त में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए तस्नीम टीवी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।